गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में बताया। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कॉल्ड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स के इनको कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है उनको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स को, है ना। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय मूविंग डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, है ना। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि बाहरी वर्ल्ड से मतलब कंप्यूटर को बाहरी वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कोई डेटा के थ्रू, जैसे कोई भी चीज़ हम इनपुट करते हैं उसमें, यानी कुछ जैसे समझ कोई डेटा बन, कोई भी हम बायोडाटा बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मेरा ही बायोडाटा बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि उसमें कीवर्ड्स के थ्रू अपना सारा डिटेल्स उस कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर को अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और जो चीज़ मैं इनपुट कर रहा हूँ, कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस करके हमें स्क्रीन पर उसका आउटपुट दिखा दे रहा है। मतलब जो टाइप करो स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले हो जा रहा है। तो हम क्या किए, इनपुट डेटा को कंप्यूटर क्या किया, प्रोसेस आउटपुट में दे दिया, है ना। तो इनपुट और आउटपुट प्रोसेस काम क्या है कि बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को जोड़ना डेटा के थ्रू, डेटा के थ्रू बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को जोड़ने का काम कौन करते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, है ना। जैसे एग्जाम्पल है कि आपका इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, ये सारे क्या इनपुट डिवाइसेस जो क्या करते हैं, जो हमें कुछ भी फीड करना होता है, कोई भी कमांड, कोई भी डेटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस को इनपुट करते हैं, है ना। और फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका आउटपुट डिवाइस को दिखाया, जैसे मॉनिटर में जब जिसको मैंने कुछ भी टाइप किया तो कहाँ डिस्प्ले होगा, मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। तो क्या हुआ, आउटपुट दिया। तो हमने क्या किया, इनपुट दिया, उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद क्या आउटपुट हमें मिल गया, है ना। तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, इसको कर दिया हमें क्या है, आउटपुट डिवाइस जिसमें रिजल्ट दिखते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अगर हमें कुछ फीड करना है तो हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू फीड करेंगे, कंप्यूटर में जाकर प्रोसेस होगा और जो हमें रिजल्ट होगा हमें मॉनिटर में दिखाई देगा। तो क्या होता है वो आउटपुट, जिससे ये आउटपुट दिखाई देता है आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, है ना। तो आप पढ़ेंगे द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज फॉर एंटरिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट सामान क्या है, सभी में कॉमन ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन है, आपका कीबोर्ड है। मोस्टली कॉमन इनपुट डिवाइस यूज फॉर एंटरिंग डेटा, डेटा एंटर करने के सबसे कॉमन कौन है, कीबोर्ड। मतलब कॉमन होना मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होना, है ना। इनपुट करने के ज़्यादा यूज किसका होता है, कीबोर्ड्स का होता है। कुछ भी डेटा टाइप करना था कीबोर्ड्स के थ्रू टाइप करो, कोई कमांड देना था कीबोर्ड के थ्रू कमांड दोगे, ठीक है। एक कॉमन डिवाइस है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है कौन, ये कीबोर्ड है, ना। जो क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा एंट्री करता है और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेंड करता है। यूजर कैन एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर प्रेसिंग ए सेट ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड, है ना। यूजर जो है कोई भी अपने डेटा को कीबोर्ड में जो बहुत सारा बटन्स लगता है उसके थ्रू कंप्यूटर में एंटर करता है, कंप्यूटर में इनपुट देता है, यानी कि उसमें फीड करता है। यूजर क्या करते हैं, कीबोर्ड में जो बटन्स लगे हैं उसके कॉम्बिनेशन से जो भी चीज टाइप करना है उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले करता है। इन्हें कीबोर्ड एडिटर बहुत सारे कीबोर्ड एडिटर जो कीबोर्ड है रिलेटेड होता है किसके, कीज के, उसके जो बटन्स होते हैं उससे क्या होता है कि जो भी लेटर्स ए बी सी डी वगैरह ये सारी चीज़ें उस पर लिखे हुए रहते हैं, प्रिंटेड होते हैं, है ना। द फर्स्ट कीबोर्ड इज डेवलप इन 18th century एंड वॉज कॉल्ड एज अ टोल्टी कीबोर्ड, है ना। देखो ये पहला जो हमारा कीबोर्ड था वो 18th century में आया था। फर्स्ट कीबोर्ड कब आया था, 18th century में। उसका नाम क्या था, टोल्टी कीबोर्ड। क्या नाम था, टोल्टी कीबोर्ड। इन जनरल कंप्यूटर कीबोर्ड हैज फॉलोइंग कीज, है ना। सबसे पहला कीबोर्ड का नाम क्या था, क्वालिटी कीबोर्ड, जो 18th century में आया था, है ना। उसके बाद आते हैं हम, तो अब क्या है कि कीबोर्ड में कीज कैसे होते हैं। सबसे पहला कीज ऊपर जो होता है उसमें क्या होते हैं, इन जनरल कंप्यूटर कीबोर्ड हैज फॉलोइंग कीज। जनरल कीबोर्ड में जो कीज होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक कीज जिसमें जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी वगैरह, ये सब 1 2 3 4 ये सब होते हैं। सिंबल की, सिंबल की में क्या आ गया था, स्टार है, हैशटैग है, एंटीडेट है, स्लैश है, सेमी कॉलन है, है ना, फिर से डैश है, अंडरस्कोर है, है ना। ये सारी चीज़ें आते हैं आपका इसमें, ये सारे सिंबल्स है, क्या है,
सिंबल्स हैं। और अल्फा न्यूमेरिक कोड्स क्या, अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या हुए, ए बी सी डी है, 1 2 3 4 ये क्या अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक अल्फाबेट से अल्फाबेटिकल वर्ड्स आते हैं, न्यूमेरिक मींस 1 2 3 4 ये सारी चीज ये। और ये इसकी कॉम्बिनेशन क्या बना होता है कीबोर्ड में, ये सारी चीजें लिखे होते हैं ठीक है। अब आता है थर्ड, थर्ड में क्या आता है स्पेशल कीज, कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं, दिस कैन बी फंक्शन कीज कंट्रोल एरो की एंड कैप्स लॉक की जी डी सी, और कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं। सबसे पहले क्या होता है इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइस में सबसे पहले होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कीज। दूसरा क्या होता है आपका सिंबल, और तीसरा क्या होता है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में क्या आएंगे, कंट्रोल अल्ट एरो की है ना, विंडोज की है ना, ये सब क्या हुआ आपके स्पेशल कीज होता है जो कीबोर्ड में होता है ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम माउस में, हमने पढ़ा बात है किसके माउस में, माउस क्या होता है, माउस इज हैंडी डिवाइस, माउस क्या होता है हैंडी डिवाइस जिसको हाथ से कंट्रोल करते हैं, अपने हैंड्स कंट्रोल करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हैंडी डिवाइस बोला जाता है। विच कैन बी मूव्ड ऑन द स्मूथ सरफेस, जो क्या होता है एक स्मूथ सरफेस पे है ना क्या करता है काम करता है, मूव करके काम करता है, टू कॉज द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन है ना। अगर हमें क्या करना है कर्सर दिखाते हैं, कर्सर किसको बोलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस तरह के एरो दिखते हैं उसको कर्सर बोला जाता है ना, ये आपका कर्सर है। तो कर्सर मूव करने के लिए क्या करना होता है, एक स्मूथ सरफेस करना होता है, हमें माउस को ड्रैग करना, सपोज मान लो कि ये हमारा माउस है, सपोज मान लो ये माउस है या ये माउस, सपोज मान लो ये माउस है, तो अगर यहाँ पर हमें ये एरो कीज को मूव करना है, इसको मूव करना है तो माउस को ड्रैग करो, मतलब जिस तरह से अगर इधर ड्रैग किया तो माउस कहाँ जाएगा, या फिर कर्सर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अगर मैं इधर मूव किया तो कर्सर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। मैंने पीछे मूव किया तो कर्सर कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा। फिर मैंने ऊपर मूव किया तो कर्सर कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा ऊपर ठीक है ना। तो क्या होता है ये माउस कर्सर को कैसे मूव करते हैं कि अपने माउस को एक स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस बन गया बिल्कुल भी चिकना सतह, स्मूथ मीन्स चिकना और सरफेस मीन्स सतह, चिकना सतह पे हम उसको मूव करके माउस मूव करके कर्सर को मूव है ना। उसके जाते हैं इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय पॉइंटिंग ऑन इट है ना। ये क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें क्या होता है कोई भी इनपुट हम कैसे देते हैं कर्सर के थ्रू उस पे पॉइंट करके, पॉइंट करके मतलब क्या होता है इसको इनपुट से आइकन है, इसमें क्या बना हुआ है आपके कंप्यूटर पे एक आइकन है, माई कंप्यूटर का आइकन है ये ठीक है ये वाला, मुझे ये खोलना है तो क्या करना पहले इनपुट देना पड़ेगा कि मुझे इसको ओपन करना है, क्या करेंगे माउस को माउस कर्सर को यहाँ तक ले गए और यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे, कंप्यूटर को क्या इनपुट मिलेगा कि इसको खोलना है ना। जैसे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन मिला क्या करेगा इसको वो ओपन कर देगा, तो आउटपुट क्या होगा इनपुट हमारे सामने आ जाएगा। क्या भाई माउस क्या है कि पॉइंटिंग करके किसी चीज़ पर आप जब क्लिक करके पॉइंट करके आप उसको इनपुट दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको, तो क्या है माउस की क्या है कि इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है इनपुट डिवाइस है। कोई भी फाइल क्या करते हो सिंपली आप कर्सर को वहाँ ले जाते हो उसमें डबल क्लिक करते हो, एक्चुअली क्या देते हो कंप्यूटर को आप एक इनपुट देते हो, इनपुट कमांड देते हो कि इसको खोलना है ना, तो उसको प्रोसेस करके खोल देता है। तो माउस क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस हो गया। फिजिकली माउस कंटेन्स अ स्मॉल केस हेल्ड अंडर वन ऑफ द यूजर्स हैंड विच वन आर माउस बटन। देखिए माउस के फिजिकली माउस क्या है कि एक स्मॉल केस होता है, केस का मतलब क्या होता है एक माउस क्या होता है ये एक माउस है ठीक है, एक केस का बात होता है इसकी माउस के पीछे, ये मैं पीछे बोल रहा हूँ आपका आगे का फ्रंट 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 ठीक है, ये ऑप्टिकल माउस बता रहा हूँ, ये आपका ऑप्टिकल माउस ठीक है। अब इसका बैक साइड हम देखते हैं, इसी का बैक साइड इसमें यहाँ पर एक देखोगे एलईडी बटन लगा होता है, एलईडी बल्ब है,
एनर्जी दे सकता है, जो माउस है तो ये ग्लो करता है। एलईडी बल्ब लगा होता है जो क्या करता है, ग्लो करता है। जैसे सरफेस पे टच होता है माउस, जैसे ही बल्ब जो माउस के अंदर ड्रैग करते हैं तो बल्ब सरफेस पे क्या होता है, ड्रैग होता है, जिससे क्या क्या होता है कि हमारा माउस कर्सर काम करता है, है ना। तो इसके बैक साइड में क्या लगा होता है, ये बल्ब लगा होता है, एलईडी बल्ब, है ना। और क्या है, ये केसिंग भी, मतलब जो फाइबर का केस होता है उसमें ये बल्ब लगा होता है। इंसान जो भी आपका यूजर है, जो उसको कंप्यूटर को चला रहा है, उसके हाथ में से कोई मान लो कि हमारा माउस हो गया, उसको हम ऐसे पकड़ते हैं, जो माउस जो क्या है आदमी के हाथ में, जो यूजर उसके हाथ में रहता है, और ऐसे करके उसको हम ड्रैग करके अपना काम करते हैं, ठीक है। फॉर जीयू बेस्ड सिस्टम माउस इज एन एसेंशियल पॉइंटिंग डिवाइस। जीयू का ग्राफिकल जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि ये एक बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट है पॉइंटिंग डिवाइस के लिए। जो माउस है बहुत ज़्यादा क्या है, एक पॉइंट आपका जरूरी पॉइंटिंग डिवाइस है। द पॉइंटर ऑफ द माउस मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच द माउस बॉल रोल्स। या फिर एक और आता है माउस, जिसमें क्या होता है ना, एक तो ये ऑप्टिकल माउस का नाम बताया, एक और माउस होता है जिसका बैक साइड, इसका बैक साइड में क्या होता है, बल्ब लगा होता है। ये क्या होता है, बॉल लगा होता है। क्या होता है, मूवमेंट। इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, बॉल उस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे कि बल्ब मूव करेगा ना, आपका माउस कर्सर भी मूव करेगा। ये रहा आपका एलईडी लगा रहता है, और एक क्या लगा होता है, बॉल, जो छोटे से आप खेलते हो ना बॉल, इतना बड़ा रहता है, उसी टाइप सेम इसके इसके बैक में लगा होता है माउस के, जो क्या करता है, मूव करता है, मूव करता है, इसी डायरेक्शन मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, है ना, सभी डायरेक्शन ये मूव करेगा। तो जिस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम बढ़ा बढ़ते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।